गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड 9th ज्योग्राफी. इन दिस वी हैव स्टार्टेड विथ लेसन नंबर 5, प्रेसिपिटेशन इन द प्रीवियस क्लास, एंड वी हैव डन विद द 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन. टुडे वी विल बी डूइंग विद द 4th पार्ट. इन दिस 4th पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 3rd टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. ऑलरेडी स्टडीड विद 2 टाइप्स, दैट इज हेलस्टोन्स एंड स्नो. These were the 2 types which we have studied, and today we'll be doing with the rainfall. So let us first understand how the rains occur. For this we'll be just doing a small experiment. For this experiment we'll be needing some things, that is the ice cubes, a nail, a hammer, vertical glass container with the metal lid. ये metal की lid होनी चाहिए, इसमें ध्यान रखना. कुछ गर्म पानी चाहिए हमको, एकदम hot water जिसमें स्टीम निकलती हो, और साथ ही साथ अ हैंडफुल ऑफ रॉक सॉल्ट, एक मुट्ठी सॉल्ट चाहिए. विद दीज थिंग्स वी विल प्रिपेयर द रेन. रेन बनाएंगे हम. देखो रेन कैसे बनेगी. सबसे पहले हमें उसका लिड खोलना है, और लिड पर ऐसे टोचे मारना है, ना कि उसमें छेद करने हैं. सिर्फ हमको हल्के से उसको पचका कर छेद मारने हैं, उसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मारने हैं, उसमें होल नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द लिड एंड हिट ऑन द अपर साइड, टेकिंग केयर दैट द लिड डज नॉट गेट एनी होल्स. यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि लिड पे, ढक्कन पे छेद नहीं होने चाहिए. सिर्फ उसमें हमको ऐसे पॉइंट्स टोच बनाने हैं. देन कंटेनर जो है हमारा, जो जार है, उसमें हम 1/3 वाटर भर देंगे, गर्म वाला जो हमने पानी लिए थे, स्टीम वाटर, और उसको टाइट से जल्दी से बंद करना है, ताकि उसमें से किसी भी प्रकार से स्टीम बाहर ना निकले. उसको टाइट बंद कर देंगे ताकि उसमें से भाप बाहर ना जाए. उसके बाद में, बंद करने के बाद, उसके ऊपर हमने रखे कुछ आइस क्यूब्स, जो सॉल्ट था हमारा वो भी डाल देंगे हम इस पर, और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल देंगे. सो दैट, और ये करने के बाद में हम 10 या 15 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे. 15 मिनट के बाद हम देखेंगे वहाँ पर से ऊपर से रेन्स पानी गिर रहा है, बारिश के समान, ड्रॉप बाय ड्रॉप. सेम प्रोसीजर रेन्स में होता है. अब यहाँ पर ये क्या हुआ एक्चुअली, ये पानी कैसे गिरने लगा? व्हेन वी फिल्ड विद दिस जार, हमने जब इस जार में गर्म पानी भरे, इसमें से वेपर्स जो हैं वो निकल कर ऊपर गई. वो हल्की थी, यू नो, गैसियस स्टेट में थी वो, तो वो गैसियस स्टेट में ऊपर की तरफ जाने लगी. जब वो ऊपर गई, मेटल लिड के कारण वो बाहर नहीं निकल सकी, लेकिन ऊपर उस पर आइस था, तो यहाँ पे उसका कंडेंसेशन हुआ, वो ठंडी हो गई और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए. ये जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए, तो ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर कुछ उसमें जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, उस पॉइंट्स पे थोड़ी देर जमा रहे, और फिर उसमें ऐसे धार से वो गिरने लगे. इसी प्रकार का प्रोसेस जो है, सो दिस इज हाउ वी हैव मेड द रेन. और इसी प्रकार के प्रोसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रेन्स ऑकर. दीज रेन्स विच वी रिसीव ऑन द अर्थ सर्फेस आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, एंड द थर्ड टाइप इज द साइक्लोनिक रेनफॉल. लेट अस डू विद द फर्स्ट टाइप. सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की रेनफॉल पढ़ेंगे आज, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है, दिस ऑकर्स इन द इक्वेटोरियल एरियाज. ऐसी एरियाज में होती है यहाँ पे इक्वेटर के आसपास, जहाँ पर सरफेस पर बहुत ज़्यादा सन की हीट होती है. सन के, यू सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पे सन रेज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, और यहाँ पर जब ये सन रेज ज़्यादा फैली हुई हैं, सो दे मूव अपवर्ड्स टूवर्ड्स द एटमोसफियर. ये ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं, और धीरे धीरे जब ये ऊपर जाती हैं, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. यहाँ पे फिर से ऊपर जो है टेम्परेचर, इधर सन के कारण बहुत हॉट था, बट एज यू गो हायर द टेम्परेचर इज कूल देयर, और वहाँ पर कूल टेम्परेचर होने के कारण कंडेंसेशन होता है इन वेपर्स का. दे कंडेंस टू फॉर्म द क्लाउड्स, एंड देन दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन्स. सो दिस इज हाउ द कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स. ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, दैट इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, एंड दैट इज सीन स्पेशली इन द इक्वेटोरियल एरियाज. यहाँ पे आप पढ़ेंगे, पॉइंट्स दिए हैं, आपके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है,
कि ये सिर्फ इक्वेटोरियल एरियाज़ में ज़्यादा करके होती हैं, इक्वेटर के आसपास। अगर हम अफ्रीका देखेंगे, वहाँ पे कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका की, और साउथ अमेरिका की अमेजोन बेसिन, ये दोनों भी जगह पर कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल होती है। बाकी जगह पर ये टाइप की रेनफॉल बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में हमको दिखाई देती है। इट्स नॉट अकरिंग इन ऑल द एरियाज़, इट्स अकरिंग ओनली नियर द इक्वेटर। और ये इक्वेटर के आसपास की जो एरियाज़ हैं, मेन दो फेमस या इम्पोर्ट मेजर रीजन्स हैं, दे आर कॉन्गो बेसिन एंड अमेजोन रिवर बेसिन। कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में और अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। दिस वॉज ऑल अबाउट द कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल कन्वेक्शनल टाइप से हुई, यानी ये रीहीटिंग प्रोसेस, उसके बाद में कंडेंसेशन एंड देन फॉलिंग ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। हमारे इंडिया में दूसरे टाइप की रेनफॉल होती है, दैट यू विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।